साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के ब्रिटेन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास ब्रिटेन्स पर। एक जून मंगलवार से उज्जैन फिर से अनलॉक होने जा रहा है। पिछले अनलॉक की तरह ही इस बार भी शहर को धीरे धीरे खोला जाएगा। शुरुआत में तय हुआ है कि बाजार को लेफ्ट राइट के सिद्धांत पर खोला जाएगा, यानी एक दिन लेफ्ट के हिस्से की दुकानें खुलेंगी, दूसरे दिन राइट साइड के दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। इसमें कुछ पेच भी हो सकते हैं। पहले भी दो बार ऐसा हुआ है कि जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति ने फैसला कुछ और लिया, जनप्रतिनिधियों ने बयान कुछ और दिए और कलेक्टर का आदेश कुछ और निकला। इसलिए जब तक कलेक्टर का विधिवत लिखित आदेश नहीं आ जाए, इस निर्णय में बदलाव की संभावनाएं बनी रहेंगी। रविवार को जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में उज्जैन को अनलॉक करने और किस श्रेणी के दुकानदारों को छूट दी जाएगी, इन सारे निर्णयों पर क्या सब बातें हुई, आप खुद जिले के कोविड प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जुबान ही सुनिए। हमारे उज्जैन में गाइडलाइन के हिसाब से सुबह से लगाकर सायंकाल 6 बजे तक जिले में हमारे सभी बाजार खुले रहेंगे। दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप इनको छोड़ करके सुबह से 6 बजे से शाम के 6 बजे तक अपना अपना व्यवसाय कर सकेंगे, लेकिन 6 बजे बाद किसी को छूट नहीं रहेगी, ये इसमें नियम बनाया। कुछ निर्णय जरूर हमने कहा कि जो हमारे पास कृषि उपज मंडी के अंदर जो माल आएगा, वो माल अब बजाय व्यक्तिगत तुलने के इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे से तुल कर जाएगा। तुलावटे हमालियों का नुकसान नहीं होगा, उनका उनकी हमाली मिल जाएगी, लेकिन बड़े तोल कांटे का 20 रुपये वो संबंधित व्यापारी उसको भुगतान कर देगा। उसी प्रकार से जो हमारे कृषि यंत्रों की बात आई है, कृषि दुकानों की बात आई है, अगर वो लिमिटेड है तो उसको हमने जरूर इसमें रिलैक्सेशन दिया है। अदरवाइज 50% के क्रम से दुकानें एक पट्टी की एक बार और दूसरी पट्टी की दूसरी बार, ये क्रम से लगातार खोलने का निर्णय लिया है। इसी के साथ हमने एक निर्णय लिया है कि हमारे अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो टीकाकरण में खूब ताकत के साथ लगेंगे। अलग अलग खास करके व्यापारिक संस्थानों में, बड़े उद्योगों में हम भिड़ करके सब लोग टीकाकरण करवाएंगे। उस शासन की गाइडलाइन का पालन भी करेंगे जो ज़रूरी हमारे पास में। धार्मिक स्थल अभी हमने कहा कि जो 15 तारीख तक अभी जो हमारा चल रहा वही चलता रहेगा, क्योंकि ये कष्ट है। इसमें अगर अपन इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारा तो धार्मिक शहर है और इसमें बाहर से संख्या जो बड़ी पैमाने पर आएगी, तो बगल का इंदौर है, उससे आगे जाओ तो भोपाल है, ऐसे कई महानगर है जहाँ अभी 7 जून तक लॉकडाउन है, तो हमारे यहाँ संक्रमण बढ़ेगा और महाराष्ट्र में तो बहुत पीक पे है। इसलिए अपने नगर को बचाना ये हमारी सबकी जवाबदारी है। हमने इसमें निर्णय लिया कि हम इस पे जो अभी चल रहा है वो चलने देंगे। स्थानीय लोग जो पूजा करने वाले अंदर जो जाते हैं बस उतने ही जाएंगे, आम नागरिक नहीं जा पाएंगे, अभी उससे बंद गया हुआ है। इसको शादी ब्याह को लेकर के वो निर्णय जो शासन का है 20-20, 10-10 दोनों पक्ष के, लेकिन उसके लिए संबंधित थाने में सूची दे दे, SDM पे या कलेक्टरेट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो शादी ब्याह कर सकेंगे। गुरुद्वारे में जरूर शादी जो होती है तो गुरुद्वारे वाले, उनको दिक्कत है कि वो गुरुद्वारे के बाहर फेरे नहीं करते हैं, तो उनको अपन ने इसमें थोड़ा सा कंसिडर किया है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के खटिकवाड़ा इलाके में एक मकान में चोरी की वारदात हो गई। चोर इस मकान में चैनल गेट और खिड़की की ग्रिल तोड़कर भीतर घुसे और करीब 1.25 लाख रुपए कीमत का सामान व नकदी चुरा ले गए। जिस मकान में यह वारदात हुई वह नजमुद्दीन खजानची का है। नजमुद्दीन की आर्य समाज मार्ग पर मोटर पंप की दुकान है। चोरी के वक्त उनका पूरा परिवार घर में ही मौजूद था। कूलर की आवाज़ और ठंडी हवा में गहरी नींद में होने के कारण घर वालों को पता ही नहीं चला कि चोर कब घर में काम बता गए। घर में लगे क्लोज सर्किट कैमरों की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि 3 चोरों ने मिलकर यह वारदात की है। इनके फुटेज साफ नहीं है, इसलिए आरोपियों को पहचानने में पुलिस को भी कुछ दिक्कतें हो रही हैं। देखो साहब, CCTV कैमरे में तो 3 लोग थे और 3:10 पे आए थे और 3:14 पे वो 3 मिनट में चोरी करके चले गए। और हमारा थोड़ा सा नगद गया है, पैसे गए हैं। लगभग कितना नगद गया है? 1 के लगभग गया है। ज्वेलरी या कोई? नहीं, ज्वेलरी तो नहीं गई है।
कुछ भी नहीं। चोरी क्यों ना, आप परिवार क्या कर रहा था उस समय? परिवार तो साहब एक रूम में सो रहा था और वो पीछे के रूम से हम चोरी करके चले गए, ग्रिल उखाड़ी हमारी खिड़की की और उसके बाद अंदर गए और वो सब सामान चोरी करके ले गए। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के प्रति लोगों की बेरुखी प्रशासन के लिए नई चिंता की वजह बन गई है। गांव में अलग अलग तरह की अफवाहों के कारण लोग वैक्सीन लगवाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। कुछ दिन पहले मालीखेड़ी गांव में हुआ विवाद इसी वजह से हुआ था। केवल गांव में ही कम पढ़े लिखे लोगों के बीच ये माहौल हो ऐसा नहीं है। हमारे जिले में तो कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी वैक्सीन के प्रति लापरवाही दिखाई है। जिले में 4,560 ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज ही नहीं लिया है, जबकि इनकी दूसरा डोज लेने की अवधि कभी की निकल चुकी है। ऐसे ही हालात फ्रंटलाइन वॉरियर कहलाने वाले ऐसे कर्मचारियों का भी है जिन्हें टीका लगाने में प्राथमिकता दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं जिले में कुल 14,692 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना रोधी वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। 16 जनवरी से जिले में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को ही टीका लगाया गया। जिले में इसके लिए 5 सेंटर बनाए गए थे, तब दूसरा टीका लगाने का अंतर महज 28 दिन का था। यानी जिन 14,692 स्वास्थ्य कर्मचारियों को पहला टीका लगाया गया उन सभी की दूसरा टीका लगाने की अवधि कब की निकल चुकी है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि महज 10,079 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ही दूसरा टीका लगवाया है। 4,613 कर्मचारी ऐसे निकले जो दूसरी बार वैक्सीन का डोज लेने पहुंचे ही नहीं। यही हाल फ्रंटलाइन वर्कर यानी पुलिस, नगर निगम और दूसरी ऐसी तमाम सेवाओं में शामिल कर्मचारियों का है जिनसे कोरोना संक्रमण की रोकथाम में ड्यूटी कराई गई है। इन्हें भी टीकाकरण में प्राथमिकता दी गई थी। पूरे जिले में ऐसे 18,752 कर्मचारियों को पहला टीका लगाया गया। फरवरी और मार्च महीने में ही इनमें से अधिकांश फ्रंटलाइन वर्कर पहले दौर का टीका लगवा चुके थे। इसकी भी अवधि 28 दिन की कभी की निकल चुकी है। इसके बावजूद महज 8,772 हेल्थ वर्कर ने ही दूसरा टीका लगवाया। 9,980 ऐसे फ्रंटलाइन कर्मचारी रहे जो दूसरा डोज लेने सेंटर पर पहुंचे ही नहीं। उज्जैन जिले में अब तक कुल 3,59,697 नागरिकों को कोरोना रोधी वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। वैक्सीन का पहला डोज लग जाने भर से ही इन नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बहुत हद तक सुरक्षा मिल चुकी है। इसी तरह जिले में कुल 69,885 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। दशहरा मैदान के देवड़ा डायग्नोस्टिक हेल्थ सेंटर का संचालन करने वाले संदीप देवड़ा के खिलाफ कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी कार्रवाई कर दी गई है। पटवारी की रिपोर्ट पर संदीप देवड़ा के खिलाफ माधवनगर थाने में शनिवार रात केस दर्ज कर लिया गया। SDM संजीव साहू ने शनिवार दोपहर देवड़ा डायग्नोस्टिक पर छापामार कार्रवाई की थी। यहां जानकारी लगी थी कि देवड़ा डायग्नोस्टिक पर कोरोना के संदिग्ध मरीजों की RT-PCR जांच की जा रही थी और पॉजिटिव आने वाले मरीजों की जानकारी सेंटर द्वारा स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा RT-PCR जांच के लिए सेंटर पर प्रत्येक मरीज से 2,200 रुपये वसूले जा रहे थे, जबकि कलेक्टर आशीष सिंह ने RT-PCR जांच के लिए 700 रुपये निर्धारित किए हुए हैं। SDM संजीव साहू के निर्देश पर पटवारी रविंद्र चौहान ने माधवनगर थाने पहुंचकर संदीप देवड़ा के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार में काम आने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए दवा व्यापारी को कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। इस व्यापारी को कम से कम 6 महीने कारावास भुगतना होगा। दवा कारोबारी जुगल किशोर पिता मनोहर लाल कासलीवाल निवासी अरिहंत विक्रम नगर के खिलाफ चोर बाजारी निवारण अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मुसद्दीपुरा इलाके में मानव इंटरप्राइजेस के नाम से दवा फर्म संचालित करने वाले जुगल किशोर कासलीवाल को शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह व्यापारी मथुरा से यहाँ इंजेक्शन लेकर आया था और लगभग 5,500 रुपये कीमत के इंजेक्शन को उज्जैन में 36,000 रुपये में बेचने की कोशिश में था। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपको हमारे बुलेटिन कैसे लगे हमें सुझाव जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।
वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस, फेमस गोल्ड टी।